नमस्ते सत्यकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वोत्तम शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉमर्स वेस्टा में। आज मेरे एमबीए स्टूडेंट्स के लिए मैं फिफ्थ यूनिट का पहला टॉपिक जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ट्रांसफर प्लानिंग। वैसे दोनों एक ही टॉपिक एक ही यूनिट में चले गए हैं, लेकिन मैं इन्हें दोनों अलग समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे लाइट थ्रो करूं, मैं आपको समझाऊं कि वो एग्जैक्टली क्या है, उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल हम लोग आम जिंदगी में भी करते हैं, जिसका एक ही प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है अपनी जिम्मेदारी समझना, यानी अपना पार्ट प्ले करना, और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो मैंने बात की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का अगर इस्तेमाल किया जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी कई अलग देखी जाती है, स्कूल में अलग जिम्मेदारी होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग जिम्मेदारी होती है, घर में अलग जिम्मेदारियां होती है, और ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी किसी एक इंसान की होती है, जिम्मेदारी सबकी होती है, चाहे छोटा बच्चा हो, एक यंग आदमी हो यानी 20-30 साल का इंसान हो, या फिर आपका कौन हो, कोई एजेड इंसान यानी कोई सीनियर सिटीजन, सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती है और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम अपना काम करते रहते हैं। सेम वही चीज आपके बिजनेस में भी होती है, यानी बिजनेस में भी अलग अलग लेवल्स पे लोग काम करते हैं और अलग अलग लेवल्स पे लोगों की अलग जिम्मेदारियां होती है, जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आप सब जानते हो। बिना नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जो कि जिन्होंने कॉमर्स आज तक नहीं पढ़ा है, उन्हें भी यह पता होगा कि जैसे घर में मम्मी होती है, पापा होते हैं, आप खुद भी हो, आपके छोटे भाई बहन है, दादा दादी है, सबकी जिम्मेदारियां होती है, ये मानते हो। वैसे ही जैसे घर में सबकी जिम्मेदारी है, बच्चे बूढ़े जवान, इन इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हम अपने लेवल पे किस हद तक काम कर रहे हैं, और अगर गलती होती है इन केस तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, किसके ऊपर डंडा चलेगा यानी किसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर जैसे घर में किसी छोटे बच्चे ने शरारत की कोई चीज तोड़ दी या मान लो कि नुकसान कर दिया, तो माँ बाप उसे डांटते हैं, बुलाते हैं, समझाते हैं, देखो बेटा ये गलत चीज है, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। सेम उसी तरीके से आपके बिजनेस में भी काम होता है, यानी जैसा घर का एनवायरमेंट, मैं नहीं कह रहा घर के एनवायरमेंट में बिजनेस हो सकता है, लेकिन बिजनेस में भी सेम चीज होती है। बिजनेस का एक हेड होता है यानी प्रेसिडेंट होगा या बिजनेस का मालिक होगा, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती है, उसके नीचे वालों की अपनी अलग जिम्मेदारियां होती है। ठीक, इन्हीं जिम्मेदारियों की अकाउंटिंग की जाती है कि जिसको जो काम सौंपा गया है जिम्मेदारी के सेंस में, उसमें उसने कितना अपने आप को प्रूव किया, यानी किस हद तक उसने काम किया जैसा हम चाहते थे, उस तरह का काम उसने किया है या नहीं किया है, वो जिम्मेदारी में आता है, और उसी की जब अकाउंटिंग की जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जाता है। जैसे मान लीजिए मैं नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही एमबीए डिपार्टमेंट का लेक्चरर हूँ, वहां पढ़ाता हूँ बच्चों को, यानी मैं जो बीबीए रहते स्टूडेंट है उन्हें पढ़ाता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है उनकी तरफ, उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाना, समझाना, बताना, और अगर उन्हें कोई डाउट होता है यानी कोई संदेह होता है मेरे पढ़ाने में या मेरे समझाने में, वो मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी वहां क्या बनी, उनको दोबारा वो चीज समझाना जो मैंने क्लास में समझा चुका हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं जिम्मेदारी से हटता हूँ तो किसके ऊपर लोड पड़ेगा, भाई जाहिर सी बात है मेरे ऊपर ही पड़ेगा। मैनेजमेंट मुझे कहेगा कि भाई आप क्यों नहीं बच्चों तो स्टूडेंट से क्लास के बाद मिलते हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट से क्लास के बाद मिलते नहीं है, उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेन सिर्फ इतना है कि बिजनेस में अलग अलग लेवल्स होते हैं, मैं उन लेवल्स को भी लिखे देता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। चलिए, अब आपके सामने मैंने बोर्ड पे एक फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है डेजिग्नेशन का, मेन है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो सबसे टॉप पे होता है वो होता है बिजनेसमैन या ओनर ऑफ द बिजनेस, फिर उसके नीचे होते हैं एम्प्लॉयज जो की सैलरी बेस पर काम करते हैं, फिर उनके नीचे होते हैं एक और एम्प्लॉयज जो की वेजेस पर काम करते हैं। वेजेस में भी दो तरीके का वेजेस आता है, एक वीकली वेजेस होते हैं या मंथली की सेंस में होता है, और एक वेजेस होता है पर डे पेमेंट। फिर उसके नीचे आता है अदर्स, अदर्स में वो लेबर्स आते हैं जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक, तो उन्हें पर डे के हिसाब से पेमेंट कर दिया जाता है। अब देखिए मेन क्या है, बिजनेसमैन का अपना अलग वो है, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे क्या करना है,
एम्प्लॉयज की जो कि सैलरी पे काम करता है उन्हें अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, एम्प्लॉयज जो कि वेजेस पे काम, इन्हें मैं एम्प्लॉयज इसलिए कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयज ये दोनों ही एम्प्लॉयज आपके जो है चाहे वो सैलरी वाले हो या वेजेस वाले हो वो अल्टीमेटली किसके अंडर में काम करते हैं, बिजनेसमैन के अंडर में तो काम करते हैं ना बस। अब लास्ट है अदर्स, अदर्स में आपके वो आते हैं जो कि आपके पर डे पेमेंट के बेसिस पे काम करते हैं जिसे दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इतना आपको समझा दिया, अब मैं सीधे कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का अगर मैं एक मोटा मोटा कंसेप्ट लू तो सबसे बड़ी चीज ये होगी इसमें हम कॉस्ट कंट्रोलिंग कर सकते हैं, यानी अगर हर लेवल पे बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी समझे तो बड़े आराम से कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, प्लस कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो सकता है और आपकी क्वालिटी कंट्रोल भी बड़े आराम से हो सकती है। और क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये नहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल भी होगी प्लस कॉस्ट रिडक्शन भी होता जाएगा। ये कैसे होगा इस पर हम बात करते हैं। आज मेरा स्पेशल लेक्चर मेरे एमबीए स्टूडेंट्स के लिए खास कर है और इसी लेक्चर को अपलोड करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली से कैसे करते हैं। ठीक, तो स्टे ट्यून्ड। वापिस सामने मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। अभी तक मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कुछ बेसिक फीचर्स बताए कि इसमें क्या क्या कवर होता है, कैसे क्या करते हैं, लेकिन अब उसी में आगे और बताने जा रहा हूँ जिसके अंडर में आपके एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है इन प्रिसाइज टर्म्स वो आपके सामने रखने वाला हूँ। आइए इसको पहले देख लेते हैं और फिर आगे इस पर और चर्चा करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन जनरल टर्म्स इट इज एन अकाउंटिंग सिस्टम विच पर्सनलाइजेस कंट्रोल रिपोर्ट्स बाय एक्युमुलेटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द कंपनी। यानी ये कभी मैं स्पीड पढ़ गया इसको भी समझाता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मशीन या कहते ना ये बिल्डिंग नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इंसान की होती है। एक वर्ड मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है पर्सनलाइजेस, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल इंसान की जिम्मेदारी देखी जाती है। अगर मैं एज ए टीचर अपने स्टूडेंट को सेटिस्फाई ना कर पाऊ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस मेरी होगी ना, क्योंकि डिपार्टमेंट यानी नेहरू ग्राम भारती ने मुझे एज अ टीचर यहाँ रिक्रूट किया कि आप आके स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, उन्हें समझाइए और कोई दिक्कत हो तो उन्हें और क्लियर कीजिए। अब मैं से क्लास लेक्चर में मान लीजिए पढ़ा करके निकल जा रहा हूँ और कोई स्टूडेंट अगर मुझसे तो कहते हैं ना ऑर्डर में क्लास आके पूछना चाहे तो मैं कहूँ कि नहीं मैं क्लास में मामले नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बाहर नहीं पढ़ाता, ये गलत होगा। एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि वो मुझसे जहां भी पूछे, इवन अगर मुझसे 20 सड़क पर भी पूछे कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है समझा दीजिए, तो मुझे वो चीज करनी होगी क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्टूडेंट वो पर्टिकुलर स्टूडेंट मेरा बच्चा जो भी है लड़का लड़की जो भी है वो मेरी जिम्मेदारी है कि उसके कंसेप्ट क्लियर करना मेरा फर्ज है। ठीक, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाती है और ये विद्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप बाहरी इंसान को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक ही देखी जाती है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखी जाती है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो भी जिम्मेदारी है वो अपना समझेंगे, यहाँ पे जो जिम्मेदारी देखी जा रही है वो इंटरनल है यानी विद इन द कंपनी है। विद इन द कंपनी जितने लोग भी हैं जिसकी मैंने खराबियां भी आपको दिखाई थी उसमें कितने लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी सही से समझी और उसको प्रॉपरली क्या एग्जीक्यूट यानी एक्शन में लाया। ठीक है, तो ये है एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कंसेप्ट। ठीक, सेकेंड है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग और एक्टिविटी अकाउंटिंग। प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी अकाउंटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर एक लेवल पे अपना अपना काम होता है। ठीक, मान लीजिए हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट को बनने में 5 एक्टिविटी से गुजरना होता है, एक्टिविटी ए बी सी डी। ठीक, ये 4 एक्टिविटीज गुजरते हैं, यानी अगर मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स है, एक्स को 4 एक्टिविटीज से होकर गुजरना पड़ता है और ये चारों ही डिपार्टमेंट एक्टिविटीज में इनके हेड्स है जिनकी जिम्मेदारी है कि एक एक्टिविटी से जब दूसरी एक्टिविटी यानी डिपार्टमेंट पे तब आपका प्रोडक्ट ट्रांसफर होगा तो वहां पे उसका कंप्लीटनेस यानी परफेक्शन देखा जाएगा कि वो कितने हद तक कंप्लीट किया गया है
और हमारी जिम्मेदारी किस लेवल से शुरू होती है। ठीक है, तो अगर पहले ही डिपार्टमेंट ने गलती करके गड़बड़ कर दी है काम करने में, तो दूसरा वाला भी तो उसी वहीं से शुरू करेगा ना। जब पहले ने गलती कर दी तो दूसरा भी गलती करेगा, तीसरा भी गलती करेगा, चौथा भी गलती करेगा, है ना। या तो पहला वाला ही अपनी गलती पहले ही पकड़ ले, क्या भाई मेरी गलती हुई, वहां पे वो चीज खराब हो गई है, आप उसको आगे मत बढ़ाओ। तो लेकिन बी निकालेगा, उसने अपना तरीका, अपना मतलब अपनी जो एक्शन थी उसने कर दी, सी ने अपना एक्शन कर दिया, डी ने अपना एक्शन कर दिया। तो भाई जब तुम गलत चीज पर अपनी बस देने की कोशिश करोगे, चाहे जितना अच्छा देने की कोशिश करो या जितना अच्छा उस पर एक्शन पैक करो, तुम्हारी वो चीज गलत ही बाहर आएगी। लेकिन अगर शुरुआत से सही चीज बनती चली आ रही है तो उसको चाहे तो 80% भी उसमें अपना पावर इनपुट कराओ, वो चीज अच्छी ही बन के बाहर आएगी। ये मानते हो ना, बस वही चीज यहां भी है कि हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर एक लेवल पर अपना काम किया और जब फाइनल लेवल पे पहुंचा तो वो चीज अपने में परफेक्ट थी। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्टिक है, इनकी क्या जिम्मेदारी थी, इनकी क्या जिम्मेदारी थी, इनकी क्या जिम्मेदारी थी और इनकी क्या जिम्मेदारी थी, इन सब को समझते हुए हमने काम किया। और इनमें से अगर किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाई और उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट पे असर पड़ा, तो भाई आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग हो जाती है। ठीक है, यही चीज है मेन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या कहता ही। तो अब इसके बारे में और दिखाता हूँ आपको, इसके फीचर्स बताता हूँ ताकि आपके फीचर से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते रहिए एंड सीखते रहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अब आपके सामने है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मेन फीचर जिसे मैंने 5 लिखे हुए हैं, आइए समझा करके फिर आपके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का वीडियो तैयार करना है। एक्चुअली आपने सोचा है मैं केजी में क्यों जा रहा हूँ, तो एक मतलब कहते ना कि क्लास लेक्चर नहीं हुआ है कायदे से मेरा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियो से मेरे स्टूडेंट्स को फायदा मिल जाए, इस वजह से दोनों की शॉर्ट वीडियो तैयार करके आपके लिए स्पेशली पोस्ट करने जा रहा हूँ, ताकि आपको दो लास्ट यूनिट जो की है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ट्रांसफर प्राइसिंग, उसे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो सबसे पहले मेन फीचर और फिर ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करेंगे। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग व्हाट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में तीन तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द लास्ट इज कहते ना कि फोग्रामेटेड टाइप की होती है। फोग्रामेटेड टाइप का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां पे लेबर क्लास और जो लोअर क्लास के एम्प्लॉयज होते हैं जिसमें आपके वर्कर्स आते हैं, लेबर्स आते हैं, उनकी तरफ जिम्मेदारियां कंपनी बहुत नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, यानी फोग्रामेटेड लेके चलती है। They are taken as for granted, but that shouldn't be the in but that should be the practice in practice, because without labor you cannot produce, without labor you cannot operate the machine, without labor you cannot stand still in the market, because the labors are the only manpower which help you grow faster, longer and sound by finance. ठीक है, anyways. तो मेन है कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सेट कर दी जाती है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा लेस सेकेंडरी है या लेस प्राइमरी है। दीज पार्ट्स आर टेकन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ऑफकोर्स एक चीज और, अभी मैंने कहा था ना वो एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी और डी समझाया था आपको, उससे अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बता दें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब है कई सारे सेंटर्स होते हैं जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट सेंटर। मैं यहां लिखे देता हूं आपके लिए, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेंटर और लास्ट है आपका प्रॉफिट सेंटर। ठीक, तो हर कंपनी या हर बिजनेस आपके इन चार पे डिपेंड करता है जिनका नाम है कॉस्ट, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट सेंटर। यानी ये चार सेंटर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं जिनके जिनके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस को अप एंड डाउन दोनों की पोजीशन हासिल होती है। ठीक है, अगला है इन्वॉल्व डेवलपिंग मेजर्स फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो है वो आपके डेवलपिंग मेजर्स को इन्वॉल्व करते हैं। यानी अगर एक चीज और जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकाउंटिंग में बात कर रहा हूं वहां पे आपका एक्चुअल और कहते हैं ना वो
बजट यानी स्टैंडर्ड हमने सेट किया, यहाँ पर लिखा भी है हाँ, इन्फॉर्मेशन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑल्सो टू बी कलेक्टेड, क्योंकि जब तक आपके पास प्लान यानी बजटेड आपके पास नहीं होगा और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके पास नहीं पहुंचेगी, आप ये कैसे जानोगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ किसकी कैसी थी। अगर प्लान और एक्चुअल आपका बराबर है तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात ही नहीं बनती, वहां ये होगी भाई आप स्कोर बढ़ा सकते हो, आपने एग्जैक्टली बीपी लगे कर रख दिया यानी ब्रेक इवन पॉइंट रख कर दिया। लेकिन अगर आपने प्लान सॉरी एक्चुअल आपका प्लान से ज्यादा है तो वो अच्छी कंडीशन, लेकिन अगर प्लान एक्चुअल से ज्यादा है यानी आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कम था प्लान से, देयर यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन द एफर्ट यू हैव मेड, एम आई राइट। तो मेकिंग मॉस डेवलपिंग मेजर्स फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दैट्स इट, यानी आपकी जितने भी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आपका जो भी है उसके लिए आपके पहली बात तो डेवलपिंग मेजर्स सुधारना, डेवलपिंग मेजर्स तब सुधारेगा जब आप प्लान एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और अगर आपका एक्चुअल प्लान से कम था तो वहां पर डेवलपिंग मेजर्स आपको ऑटोमेटिकली रख दिया जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ वही है, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑल्सो टू बी कनेक्टेड, ये बताई चुका हूँ कि जहाँ प्लान है वहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कराएंगे और कंपेरिजन के बाद आपका जो भी डेविएशन होगा उस डेविएशन पे आप काम करेंगे, ठीक। और फिर लास्ट है इन्वॉल्व क्रिएटिंग रिपोर्ट्स ऑफ दोज मेजर्स बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, बिल्कुल, यानी आपकी जो चारों रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं कॉस्ट रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, इन चारों को अपना अपना काम करना होगा यानी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और किस चीज की आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी उन सारे मेजर्स की जो कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ने सुझाई थी, किस चीज के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर भी तो एक सेंटर है जो बताएगा कि हाँ भाई अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो इस वजह से बढ़ा है, कम हुआ है तो इस वजह से कम हुआ है, ठीक। तो आज इतना रखता हूँ आपके लिए, एक शॉर्ट ब्रीफ था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती क्या है। अब मेरा अगला वीडियो आपके लिए होगा ट्रांसफर प्राइसिंग पे, तो उसको देखिए समझिए और फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपके और कंटेंट डालूंगा। तो अभी मिलते हैं मेरे सेकेंड लेक्चर में जिसमें है ट्रांसफर प्राइसिंग, तो देखते रहिए सीखते रहिए। और फिलहाल इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।